गाइज जब मैं बड़ी राइड की तैयारी करता हूँ तो ऐसी कुछ है ना, ये अलग अलग बैग्स में अलग अलग चीज़ें मैं रखता हूँ। सो गाइज घबराइए मत इतने सारे टूल्स देख के। सो दिस इज आवर टेल बैग। गाइस वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया रहेंगे। गाइस हम जाने वाले हैं एक राइड पे, लंबी राइड है। मतलब मेरा जो राइड में है मैं क्या क्या सामान लेके जाता हूँ, मेरा क्या सेटअप है, तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस जब मैं बड़ी राइड की तैयारी करता हूँ तो ऐसी कुछ है ना, ये अलग अलग बैग्स में अलग अलग चीज़ें मैं रखता हूँ। सो दिस इज़ आवर टेल बैग। ये टूल का बैग है, फिर इसमें कुछ टॉयलेटरीज है, फिर इसमें कुछ अपने गैजेट्स है, और इसमें है कपड़े, और वो जो पड़ा है वो अपना है टॉप बॉक्स। तो यूजुअली मैं जब भी राइड पे निकलता हूँ तो ऐसे बैग्स में पहले मैं सामान भरता हूँ साथ में, जो जो याद आता है जैसे, और फिर उसके बाद मैं उसको बाइफोकेट करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मैं ज़्यादा सामान लेता हूँ, उसमें से निकाल के भी रख देता हूँ। और चलो अभी हम पैकिंग शुरू करते हैं। गाइस कपड़े में हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। तो बिकॉज है ना हमको ट्रैवल करना है बाइक पे, तो मिनिमम वेट रखना है। मतलब जो ज़रूरी है वही लेके जाएंगे, एक आध कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और ये है ट्रैक पैंट और बेस लेयर है, देन ये भी मतलब बॉटम है, ये टॉप बेस लेयर है, हम लोग राइडिंग जैकेट में पहनते हैं। और ये मैंने कुछ टी शर्ट्स लिए हैं, खूबसूरत फ़ोटो निकालने के लिए टी शर्ट भी लिए। अभी बस दैट्स इट, इतने ही कपड़े हमारे, इससे ज़्यादा हम लेते नहीं हैं क्योंकि हमको ट्रैवल लाइट करना है। अभी मैं आगे का बताता हूँ और मैं क्या लेके जाता हूँ। आपने देखे मैंने कपड़े जो मेरे मिनिमम थे वो मैंने ले लिए, और इसके बाद अभी ये गैजेट्स की बारी है। यूजुअली कैरी ये छोटा बॉक्स है, ये मतलब केबल ऑर्गेनाइज़र है, इसमें केबल्स, ये माइक एक्स्ट्रा जस्ट इन केस पुराना एग्जिस्टिंग माइक ख़राब होता है, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। सो दिस आर आर एक्शन कैमरा बैटरीज है, ये पावर बैंक है, ये कुछ माउंट्स है, ये अपनी है इमरजेंसी लाइट, फिर ये टायर इन्फ्लेटर है। ओ यार इसको चार्ज करना पड़ेगा। देन दिस इज़ अ गोरिल्ला पॉड, एक ट्राईपॉड है, और ये कुछ माउंट है, ईयरफोन्स, एक्स्ट्रा चार्जर एक, एंड दिस इज़ आवर एक्शन कैमरा, और ये छोटा ऑर्गेनाइज़र बैग है उसका, एंड दिस इज़ आवर चार्जर पावर पॉइंट के लिए। अगर हमको हमारे मल्टीपल गैजेट्स चार्ज करने हैं तो इसमें आप डायरेक्टली चार्जर भी लगा सकते हो, और यहाँ पे USB पोर्ट्स भी है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो गाइस अभी गैजेट्स मैंने मतलब जो केबल्स वगैरह मैं लेके जाता हूँ YouTube के लिए, मुझे चार्जिंग के लिए वगैरह लगता है, वो सब मैंने आपको दिखाया। अब मैं दिखाता हूँ मैं टूल्स क्या कैरी करता हूँ। सो गाइस घबराइए मत इतने सारे टूल्स देख के। तो यूजुअली दिस इज़ लाइक गुड इनफ, यू नो, आपको आपकी गाड़ी रिपेयर, मतलब इनकेस कुछ इमरजेंसी है तो आप इन टूल से सब कुछ कर सकते हो। दिस आर द केबल टाइज, जस्ट इन केस यू रिक्वायर, केबल टाइज है, ये कटर है, ये कुछ स्पैनर्स है जैसे 8-10 अलग अलग है। आप अगर मुझे कमेंट करके पूछोगे मैं इनके बारे में, ये स्पैनर्स कौन से मैं आपको बताऊंगा। देन दिस इज़ हैमर, मुझे पत्थर नहीं यूज़ करना है ठोकने के लिए, एक स्क्रू ड्राइवर है मोटा वाला प्लायर, फिर ये पतले वाले स्क्रू ड्राइवर से दो, ये प्लस वाला है आप देख सकते हो, एक रस्सी है छोटी सी प्लास्टिक की जस्ट इन केस यू रिक्वायर इट, एक हैक्सो है, कभी कभी होता है कि आपको कुछ काटना है और आप नहीं काट पाते हो तो दिस इज कम्स वेरी हैंडी, ये वायर कटर है, ये प्लग निकालने के लिए स्पार्क प्लग, फिर ये आप देखोगे ये टी हैंडल है, और इसमें ये तीन सॉकेट्स है, एक 8 है, ये 10 है और 12 है, फिर ये एलन की का सेट है, और ये है अपना पंचर किट, और ये वायर्स है पंचर लगाने के लिए। इसके अलावा मैं कुछ ये स्पेयर्स लेके जाता हूँ, ये है क्लच केबल, ये एक्सेलेटर केबल, और ये एक स्पार्क प्लग है, स्पेयर स्पार्क प्लग जस्ट इन केस यू रिक्वायर्ड, ये इरिडियम नहीं है, ये प्लेन स्पार्क प्लग है क्योंकि गाड़ी में अपना इरिडियम लगा हुआ है, तो ये तीन चीज़ें मैं लेता हूँ। अलावा अगर आपका कुछ गाड़ी के स्पेसिफिक है, मतलब कोई कोई मॉडल को कुछ स्पेसिफिक चीज़ लगती है, आप हाँ एक फ्यूज़ का भी किट लेके जा सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर फ्यूज़ का भी कुछ इशू हो गया तो मैं जुगाड़ के, अपने पास बहुत तरीके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट हेल्प्स, यू नो, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर व्हीकल योरसेल्फ,
आपको वो कॉन्फिडेंस आता है कि जस्ट इन केस कुछ होता है तो यू कैन डू एटलीस्ट अ मिनिमम। बात तो सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये क्लच केबल एक्सेलेटर केबल मैं क्यों लेके जाता हूँ, कैसा है, देखिए मैकेनिक आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, बट वो एग्जैक्ट स्पेयर मिलना ज़रूरी है। ऐसा होता है कि मैकेनिक मिल गया लेकिन स्पेयर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये सब स्पेयर्स है ना, ये मैं इनको कंज्यूमेबल्स बोलता हूँ, क्योंकि ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, कभी भी ख़राब हो सकते हैं, तो ये साथ में लेके चलना इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। तो चलो बताता हूँ अभी अगला क्या है। सो गाइस, अभी आपने देखा, हमने आपको सबसे पहले कपड़े दिखाए, फिर हमारे जो गैजेट्स वगैरह वो दिखाए, फिर टूल्स दिखाए, और अभी हम दिखाने वाले हैं जो पर्सनलाइज चीज़ें होती है, जैसे टॉयलेटरीज है। तो गाइस जैसे मैंने कहा, पर्सनल चीज़ें जैसे टॉयलेटरीज है। सो दिस इज़ दी वॉशिंग पाउडर है, क्योंकि हमको कपड़े धोने पड़ेंगे। ये कुछ मेडिसिन है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये क्रेप बैंडेज है जस्ट इन केस आपको ज़रूरत पड़े, टिशू, ग्लेयर्स, ये आपका फेस वॉश है, क्रीम है, आपका बॉडी वॉश है, फिर ये छोटा पाउच है पैराशूट ऑयल का, और ये देखिए दिस इज़ अ क्लोथ्स लाइन, मतलब आप इस पर, मैं दिखाता हूँ यार, ये खोलूँगा नहीं ज़्यादा, ये रस्सी है जिसमें ये क्लिप्स लगे हुए हैं जिस पे आप कपड़े सुखा सकते हैं। सो गाइस, मेन चीज़ तो मैं आपको बतानी भूल गया, चेन लूप, मैं निकावी का चेन लूप यूज़ करता हूँ, और ये साथ में एक छोटा WD-40 भी कैरी करता हूँ। दिस इज़ अ मास्क, इट इज़ रिक्वायर्ड। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने साथ मैं कैरी करता हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। अगर आपको कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा उसके बारे में। इनफैक्ट आप क्या क्या टूल्स है, क्या नंबर्स है टूल्स के, जो स्पैनर्स वगैरह है उनकी साइज़ क्या है, मैं सब पूरा डिटेल में आपको बता सकता हूँ। सो इसी के साथ मैं ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी मैटर करता है। सो गाइस, अगला वीडियो में हम आपको सीधे जर्नी पे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।